मैं हूं गोपाचन। ग्वालियर का युगों पुराना पहरेदार पर्वत, इस इतिहास में डूबी धरती का अकेला साक्षी। मैंने क्या क्या नहीं देखा, मानव और मानवता की महत्वाकांक्षाओं की गगनचुंबी ऊंचाइयां और उसी मानव के पतन की अतल गहराइयां। मेरी आंखों के सामने ही युग बीते, राजा रंक वीर योद्धा और मुक्तकंठ कवि जीवित इतिहास की पटकथा लिखते गुजर गए और अपनी अपनी भूमिकाएं अदा करते विदा हो गए। इतिहास की ये कहानी लोक गाथा में आज तक जीवित एक करिश्मे से शुरू हुई। कोढ़ के महारोग से पीड़ित राजपूत सरदार सूरज से इसी क्षेत्र में शिकार खेलते खेलते थक कर चूर प्यास का मारा दो घूंट पानी की खोज में भटक रहा था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गौरव यादव ब्लॉग। और अभी हम लोग हैं ग्वालियर फोर्ट, और ग्वालियर फोर्ट का आप व्यू देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। और ग्वालियर फोर्ट से पहले अगर मैंने यहाँ पे मैं रुका हूँ, इसलिए मुझे हो गया सेकेंड डे है ग्वालियर में। और अगर आपने मेरे और वीडियो नहीं देखे हैं, मैंने जो ग्वालियर का ट्रेड फेयर होता है, जो MP का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर होता है, वो भी मैंने कंप्लीट किया। और यहाँ का तिगरा डैम है, तिगरा डैम बोलते हैं, और जिससे पूरे ग्वालियर को वाटर सप्लाई होता है, वो भी कवर किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो चेकआउट करिए, उन वीडियो को देखिए, और फिर आज मैं आपको ग्वालियर फोर्ट की पूरी डिटेल देता हूँ। इसमें क्या एक्चुअल में ग्वालियर फोर्ट का जो भी हिस्से है, इसमें 6 पैलेस हैं और 3 टेम्पल हैं। तो पहले हम जो भी 6 पैलेसेज हैं इनको अच्छे से एक्सप्लोर करते, आपको पूरी डिटेल देते, फिर इसके बाद अगले पार्ट या इस पार्ट में, अगर वीडियो लॉन्ग हो गया तो इस पार्ट में नहीं, नेक्स्ट पार्ट में आपको ग्वालियर फोर्ट के प्रीमाइसेज में जो भी बने हुए हैं टेम्पल्स उनको अच्छे से एक्सप्लोर कराएंगे, और यहाँ पर एक गुरुद्वारा है उसकी भी डिटेल देते। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपने ग्वालियर फोर्ट के ब्लॉक को। और अभी आप बैकग्राउंड में जो वो व्यू देख रहे हैं, ग्वालियर फोर्ट का व्यू देख रहे हैं, आपने अगर कछुप्पी मूवी देखी है तो आपको याद ये व्यू याद आ गया होगा कि फोर्ट में ही उस फिल्म की शूटिंग हुई थी। और ये उसका व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था व्यू, तो आप लोग सब लोग इस व्यू से नॉन होंगे कि आप लोग जानते होंगे अच्छे तरीके से ये कैसा व्यू है। तो अभी फाइनली अब टाइम नहीं लगाते और जल्दी से एक्सप्लोर करते हैं फोर्ट को। और मैंने आपको बता दिया कि ग्वालियर फोर्ट को मैं अंदर से एक्सप्लोर करूंगा, जो उसके अंदर 6 पैलेस हैं उनको अच्छे से एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। बाबर ने अपने संस्मरणों में लिखा, मान सिंह का महल बड़ी शानदार इमारत है, सारा का सारा महल गड़े हुए पत्थरों से बना है, हर तरफ गुंबद हैं जिन पर तांबे की चादर चढ़ी है और उन पर सोने का मलम्मा है। बाहर की दीवारों पर चित्रकारी की हुई है। कभी युद्ध के साथ, शांति और खून खराबे के साथ इस किले से तो हिंदुस्तान के भाग्य के फैसले हुए हैं। प्राचीन और मध्यकाल में बहुत से राज्यों और साम्राज्यों की लहरें ग्वालियर से होकर गुजरी और कुछ अपनी छाप भी छोड़ गई। पहला पैलेस जो दिख रहा है, जिसे मान मंदिर कहते हैं, जो मानसिंह पैलेस है, तो पहले हम लोग मानसिंह पैलेस को घूमते हैं। और मान पैलेस ही सबसे बड़ा और अच्छा पैलेस है, तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया मैं सबसे पहले मानसिंह पैलेस घूमूंगा, फिर 5 पैलेस मैं उसको विजिट करूंगा। तो चलिए पहले मानसिंह पैलेस विजिट करते हैं, पर उससे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा। इन्फॉर्मेशन ये है कि
कि जो आपको ये ग्वालियर फोर्ट दिख रहा है, इनका पूरा प्राइमेसिस मतलब ग्वालियर फोर्ट के अंदर जितना भी एरिया आता है टोटल पर्वत है उसके ऊपर है, जिसे गोपालचल पर्वत बोलते हैं। और आप अन्य से जब आपकी एंट्री होगी तो आपको वो जैन टेंपल भी दिख जाएगा उस पर्वत पे। तो एक उसके लिए एक्चुअल में क्लियर कोई डेटा नहीं है, सारे मिथ हैं कि ग्वालियर फोर्ट कब बना, कुछ कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं, तो मैं मिथ पे नहीं जाके। राजा मान सिंह तो बस हर नर नारी के दिल और दिमाग में बस गए। लोग आज भी गुर्जरी सुंदरी नन्नी और मानसिंह की प्रेम कहानी सुनाते हैं। ये पीछे आप जितना भी सीन देख रहे हैं वो यहाँ का ये झरोखे बोलते ना, कि यहाँ पे क्या होता था, रानियाँ पीछे बैठ के म्यूजिक वगैरह और देखते थे, यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह होते थे। मृगनेनी ने बैजू बावड़ा से संगीत सीखा। दोनों संगीत के दीवाने थे। सुरों की डोरियों ने महाराज मानसिंह और सलोनी गुर्जरी को आपस में ऐसा बांधा कि बस वे बंधते ही चले गए। देश के कोने कोने से संगीत के विद्वान मान मंदिर की यात्रा के लिए आने लगे। महल के विशाल और सुंदर कक्ष भारतीय शास्त्रीय संगीत की सुरताल से गूंजने लगे। पीछे मेरे देख सकते हैं ये संगीत कक्ष था, और संगीत कक्ष में भी क्या था कि जो भी संगीत सिखाने वाले नीचे थे वो नीचे ज़मीन पे बैठते थे, और उसके ऊपर फ्लोर पे सारी रानियाँ जितनी भी थी संगीत सीखने के लिए वो बैठती थी। तो जब संगीत सीखा जाता था तो वो संगीत सिखाने वालों को कभी भी रानियाँ दिख नहीं पाती थी, बट रानियों को सब दिखाई देता था। ऊपर जो होल्स वगैरह थे उसके व्यू वो संगीत सिखाने वाले को आसानी से देख सकती थी, बट संगीत सिखाने वाला उनको नहीं देख सकता था। अगर बाई चांस संगीत सिखाने वालों ने उनको देख लिया तो उनका सर कलम कर दिया जाता था, इसीलिए ऐसा बनाया गया था। लोग हैं मानसिंह महल में, मानसिंह महल की हमने डिटेल दे दी है कि मानसिंह महल सबसे, अगर ग्वालियर फोर्ट का सबसे अच्छा है तो मानसिंह महल है। तो अभी मानसिंह महल में हैं हम लोग, और मानसिंह महल की थोड़ी डिटेल मैं दे रहा कि मानसिंह महल में 4 फ्लोर है, जिसमें 2 अंडरग्राउंड है और 2 फ्लोर है, और जो इसके ऊपर जो सेकंड फ्लोर है वो अभी ओपन नहीं है, बस फर्स्ट यही फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है। और वो जो हर्ब दिखाई दे वो 4 पिलर पे ही पूरा मानसिंह महल है। तो ये पूरा मानसिंह महल है, इसमें मैंने आपको दिखाया कि उधर साइड झरोके वगैरह का सीन रहता था और इधर साइड संगीत वगैरह सीखते थे। तो यहाँ पे पीछे पूरा संगीत कक्ष है, यहाँ पे रानियाँ थी, जो राजा थे राजा मानसिंह तोमर, उनकी रानियाँ थी, वो यहाँ पे संगीत वगैरह सीखते थे। और जो राजा मानसिंह 15th सेंचुरी के आसपास के राजा थे, और बहुत अच्छा ये ग्वालियर का आपको जो ब्लू करके कोटेड दिख रहा है, इसके साइड ही तांबे का कोटेड है ये, और ये थोड़ा अद्भुत नज़ारा है, इसकी ब्यूटी को है इन्हेंस कर देता, बहुत अच्छा व्यू है। तो अभी फाइनली मैंने जो फर्स्ट फ्लोर पूरा एक्सप्लोर कर लिया, अभी ग्राउंड फ्लोर पर जरा ग्राउंड फ्लोर के बारे में थोड़ा और अच्छी डिटेल है, और थोड़ा मतलब कह सकते हैं आपको थोड़ा टेरर हो सकते हैं, थोड़ी डरावनी भी है, तो वो मैं ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच के बताता। और चलिए चलते हैं ग्राउंड। ये ग्राउंड में था, तो ग्राउंड में लाइट के लिए उस टाइम लाइट के लिए क्या होना चाहिए अरेंजमेंट, तो अभी तो ये लाइट आर्टिफिशियल आपको दिख रही है वो अलग है, बट ये था। तो ये देखिए यहाँ से अभी बंद कर दिया वो, वहाँ से लाइट के लिए ये सारे बनाया गया था, और कितना अच्छा व्यू लगा, एक अच्छा सा व्यू आ सकता है। अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर जा रहे हैं, एक्चुअल में यहाँ पे चमगादड़ काफ़ी ज़्यादा है, चमगादड़ से थोड़ा डर लगता है हमें, तो फाइनली हम लोग पहुँच गए। और थोड़ा आपको इको का प्रॉब्लम होगा क्योंकि अभी हम लोग बेसमेंट में, अभी इस बेसमेंट को देख के आपको नहीं लगता होगा कि यहाँ पे, पहले उस टाइम तो काफ़ी अच्छा था जब
15 सेंचुरी में जब तोमर राजा थे, मानसिंह तब तक ठीक था, जैसे ही 16 सेंचुरी में ये पहुँचा है मुगलों के हाथ, तो मुगलों ने इसको जेल बनाया। मुगलों के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना है कि वो लोग अपने रिलेटिव को भी नहीं छोड़ते थे, जो उनके फेवर में बोलता था तब तक उनका है, जब उनके फेवर में नहीं बोलता था तो वो उनका नहीं होता था, उनको एक अच्छा खासा पनिशमेंट दिया जाता था। तो पनिशमेंट के लिए भी था ये पूरा था एक खौफनाक, मुझे डर लग रहा कि लोगों को यहाँ पे पता नहीं हजारों लोग मर चुके हैं यहाँ पे कैद में, और उनको मारने का भी एक तरीका निराला होता। आप खुद देख सकते हैं यहाँ से निकलने का कोई कहीं से रास्ता भी नहीं, इतनी आसानी से निकला भी नहीं जा सकता इस बेसमेंट से, और फिर भी अगर निकलने का बंदा तब ट्राई होगा जब वो थोड़ा सेंस में होगा। तो वो लोग क्या करते, जो भी यहाँ पे कैदी बना के रखते थे तो उनको अफीम खिलाया करते थे, अफीम के नशे में वो रहते थे, जब डोज ज़्यादा हो जाते थे तो कुछ सालों बाद उनकी मृत्यु हो जाती थी, मर जाते थे। इतनी खौफनाक मौत के बारे में आप सोच को अब। बाद में इस किले से हंसती गाती महकती जिंदगी गायब हो गई। यहां विद्रोहियों और राजनीतिक बंदियों को हथकड़ी और बेड़ियों में रखा जाने लगा। वक्त कैसे गुजरता है, हमारा ये शानदार किला आज दुख दर्द की सराय बन गया। इसी महल के सुंदर सद्द खानों में कभी रानियां महारानियां धूप की तपिश से बचकर घंटों का बाजी के मजे लूटती थी, आज वही सर्दखाना फांसी खाना बन गया। न जाने कितने शाही कैदी इन अंधेरों में डूब गए। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर यहां आया था, उसने इन शाही कैदियों की दुर्दशा का बयान लिखा। कैदियों को पोस्त पिलाई जाती थी, अफीम की डोडियों को पानी में भिगोकर ये पेय बनाते थे, इससे बंदी का शरीर धीरे धीरे सूख जाता था। बदनसीब जुल्म के शिकार कैदी अपना दिमाग खो बैठते, फिर वे सुन्न हो जाते और मौत की गोद में सो जाते थे। टेल थी मैंने आपको सारी बता दी है मानसिंह महल के बारे में, ज़्यादा बड़ा नहीं, फोर पिलर का है और नहीं खुला है ये, इस पे ग्राउंड फ्लोर पे इसके दो बेसमेंट भी वो कंप्लीट हो गए, और अब फाइनली हमारे पास और हम लोगों को विजिट करने, अभी एक पैलेस विजिट कर पाया और पांच पैलेस और विजिट करने। चलिए हम और नेक्स्ट जो भी जितने पैलेस बचे हुए हैं उनको विजिट करने के लिए चल, हम यहाँ पे आए हैं। इसमें क्या होगा कि अभी मेरे पांच पैलेस बचे हुए हैं, उसमें से कर्ड महल, यहाँ पे कर्ड महल कंप्लीट हो जाएगा, विक्रम महल कंप्लीट हो जाएगा, जागीर महल और साजा महल, और इसके अलावा भी और चीज़ें हैं, बट जो हम लोगों का मेन फोकस था जो पैलेस कंप्लीट करने का, तो हम लोगों के कंप्लीट पांच पैलेस। अभी तो मैं